नेहरू युवा केंद्र द्वारा कुल्लू में जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रविश कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहीं, जबकि एसपी कुल्लू गोकुल कार्तिकेन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपायुक्त कुल्लू ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को आपस में जोड़ने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों में सूचना के संदर्भ में काफी बदलाव आया है और आज के युग में सूचना जल्दी से मिल जाती है। यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसमें कम से कम 150-200 बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, साथ ही बहुत सारे प्रबुद्ध व्यक्ति जुड़े हैं। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बच्चों को डिफरेंट टॉपिक्स पे अवेयरनेस करने का, एक एक्सपीरियंस शेयरिंग का। सभी टॉपिक से हमारे रेगुलर यहाँ का जो डे टू डे दिनचर्या है, यहाँ की जो इकोनॉमी है जुड़ी है, और मैं समझती हूँ कि इन फोरम्स के थ्रू हम अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक लाल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य युवाओं को अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास करवाना है। लाल सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में नारी शक्ति, वोकल फॉर लोकल, विकसित भारत 2047 और मिलेटस के विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। करवाना कि वो अपने देश के नागरिक हैं और वो भावी भविष्य हैं भारत का, और उसके लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा ये प्रयास किया गया कि ना केवल युवाओं को इसमें शामिल किया जाए बल्कि उन सभी युवाओं को या जो प्रौढ़ पीढ़ी में आप पहुंच चुके हैं उनको भी शामिल किया जाए। समाज को अगर विकसित करना है, युवाओं को अगर आगे ले जाना है, युवाओं को अगर प्रेरणा देनी है, उनकी ऊर्जा का अगर दोहन करना है, तो निश्चित तौर पर हमें सभी के साथ मिलकर चलना होगा। युवा संसद की प्रतिभागी परिषदी ठाकुर ने विकसित भारत 2047 बनाने के लिए कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम है और इस वक्त देश प्रदेश में दुनिया में सबसे अधिक युवा शक्ति मौजूद है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़ा युवा देश है, और इसमें 65% आबादी युवाओं की है जो 15 से 24 वर्ष की आयु के हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यूथ है, हमारे पास पोटेंशियल भी है, एक नीड है एक स्किल की, जिस स्किल की वजह से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा लक्ष्य है 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बने और $30 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो।